न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। 5 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। रेवाड़ी में भी अभी तक 93,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में टीकाकरण उत्सव के दौरान जारी टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में अभी लॉकडाउन जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। जरूरत है तो केवल लोगों को SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पालन करने की, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी किसी तरह की भ्रांति ना पाले, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन स्वदेशी और कारगर हैं। जहां तक इस वैक्सीन से रिएक्शन का सवाल है, तो हम यह नहीं कह सकते कि इससे रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर की क्षमता अलग-अलग होती है। लेकिन फिर भी लाखों में किसी एक को रिएक्शन हो जाना कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, वे अपने अनुभव भी साझा करें, ताकि वैक्सीन के प्रति लोगों की भ्रांतियां दूर हों। प्रदेश में हजारों सैंपल रिपोर्ट पेंडिंग होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग लैब बढ़ा दी गई है, अब रिपोर्ट आने में देरी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन राज्यों में रखरखाव की कमी के चलते अधिक मात्रा में वैक्सीन वेस्ट हो गई थी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जिस तरह से कोविड का दोबारा से जो रूप है और उसके बाद देश के अंदर वैक्सीन भी हमारी आ गई है, तो टीकाकरण का जो अभियान पूरे देश में चला हुआ है और जो खासकर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये टीका उत्सव का प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, उसके तहत लगभग 5 लाख मतलब वैक्सीनेशन का जो टारगेट हमारी हरियाणा सरकार ने रखा है, उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में हमें अलग अलग कैंप लगाकर, हमारी जो सिविल हॉस्पिटल हैं, CHC हैं, उनपे भी कैंप लगाकर इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तक हमारे यहाँ रेवाड़ी ज़िले में लगभग 93,000 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है, और मतलब आगे भी मैं अधिकारियों से ये कहूँगा कि इसको और तेज़ी से किया जाए और इसका लोगों को अवेयरनेस भी की जाए। और जिस तरह से लोगों के दिल में एक भ्रांति है कि भाई वैक्सीन से ये हो जाएगा या ये वैक्सीन अच्छी है या ये वैक्सीन अच्छी है, तो दोनों ही जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, दोनों ही सेफ हैं, दोनों ही इफेक्टिव हैं। तो लोगों को इस तरह का मैं आह्वान भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि 45 जो हब जो चल रहा है, तो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको टीकाकरण करवाना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और जिन लोगों ने टीकाकरण करवा लिया, उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो अपने दूसरे साथियों को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा, वो उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताएं कि भाई वैक्सीनेशन से कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, कोई किसी तरह की साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोगों को एक भय बिठा रखा है कि वैक्सीन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मैं ये भी इन लोगों से कहूँगा कि भाई इसका लोगों को ये भ्रम दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएँ। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई वैक्सीन के साथ साथ हमें जो मास्क है वो भी ज़रूर लगाना है, और जो हमारा सोशल डिस्टेंस है रखना है वो भी रखना है, और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है। जब बाहर से आएँ या कोई चीज़ को टच करें तो सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। अगर हम सब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ही हम इस कोविड जैसी बीमारी से बाहर पा सकेंगे, क्योंकि एक काफ़ी वार्ड लेवल पे काफ़ी इफेक्ट मतलब ज़्यादा तरीके से ये फैल रहा है, और अब की बार केस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम सब लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को करवाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक 37,000 के करीब आज पूरे प्रदेश में रिपोर्ट पेंडिंग है, एक तरफ लगातार तेज़ी से केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो सैंपल रिपोर्ट हैं वो पेंडिंग हैं, उनकी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, जो सैंपल लिए गए हैं 37,000 के आसपास। देखो, सैंपलिंग का अभी जगह जगह लैब भी खोली गई हैं और लैब्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, और जल्दी ही हम
उनकी रिपोर्ट इस तरह से जो करनी है उनको जल्दी रिपोर्ट आएगी और उन पर जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। कोविशील्ड जो दवा है सर, वैक्सीन है जो, तो उसको लेकर भ्रांति, जैसे अभी आपने देखा कि उसके नाम से जैसे ही आया कि वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे और चल भी रहा है, खबर भी लग रही है लगातार कि प्रोटीन की दिक्कत आ रही है। कोई भी दवाई हो, कोई भी वैक्सीन हो, साइड इफेक्ट किसी शरीर हर आदमी पे डिपेंड करता है। आपको हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता। इस किसी दवाई का किसी पे इफेक्ट हो जाता है, तो ये ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई इस दवाई से होगा ही होगा। करोड़ों में एक आध को किसी को कोई चीज़ हो जाती है। आप सिंपल बी कम्प्लेक्स की गोली भी कोई लेता तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है किसी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस वैक्सीन से ही। सर, एक लॉकडाउन को लेकर के लोगों में काफी चर्चा है, दूसरे राज्यों में जिस तरह से तैयारी भी चल रही है, तो हरियाणा को लेकर क्या कहें? देखो, अभी हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो टीकाकरण है और जो मास्क वगैरह लगाने की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइजर का जो उपयोग करने का जो बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि इन चीज़ों को फॉलो करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हरियाणा में नहीं आएगी। सर, एक कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आज मान लो वैक्सीनेशन ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मान लो एक वायल खोल दी और लगाने वाला कोई आया नहीं, एक वैक्सीन एक वायल के अंदर 10 इंजेक्शन लगते हैं। अगर मान लो 10 आप लोग उनको तैयार नहीं करोगे और 5 को या 1 को लगा के छोड़ दोगे तो वो एक मिसयूज हो गया। उससे इस तरह से कमी आई, ऐसा नहीं एक भेदभाव हुआ। दूसरा क्या है कि कहीं कहीं कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, प्रॉपर टाइम पर वैक्सीन नहीं पहुँची, तो वो क्या है कि वैक्सीन खराब होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सरकार की तरफ से कोई भेदभाव।